गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अब हम इस क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इसमें 3 ईयर्स का डाटा दे रखा है, तो हमारे 2 साल के फंड फ्लो बन जाएंगे। नॉर्मली हमें 2 साल का डाटा होता है, तो हम 1 साल का फंड फ्लो बनाते हैं। तो थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इस लिहाज से, बट कोई बात नहीं, बड़े और छोटे करने तो हमें हैं, और आपको सीखना है कि कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एसेट्स में देखें तो प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैसेट बैंक दे रखा है, तो ये 3 लाइन आइटम तो आपके वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। लायबिलिटी में देखें तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिवेंचर्स, कैश क्रेडिट, क्रेडिटर, टैक्स प्रोविजन एंड प्रपोज डिविडेंड है। 3 साल के डेप्रिसिएशन दे रखे हैं। इन 2013 अ पार्ट ऑफ द डिवेंचर वॉज कन्वर्टेड इंटू इक्विटी, तो आप देखें 2013 में 10 से 5 हुए और वहाँ पर 5 हुए। इन द लास्ट 3 ईयर्स देर वर नो सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स, यानी कि परचेज हो रही है। ठीक है, इन 2012-13 इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹500 लाख वॉज सोल्ड फॉर दिस, द मैनेजमेंट इज कन्फ्यूज ऑन द डेट रेटिंग लिक्विडिंग पोजिशन डिस्पाइट गुड प्रॉफिट अर्न बाई द कंपनी, आइडेंटिफाई द रीजन, फंड फ्लो एनालिसिस मे बी अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पज। ओके जी, अब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स हम इसे बनाते हैं। अभी देखिए आप समझ में आएगा आपको कहाँ से आ रहा है, क्या रीजन है। ठीक है, चलिए एक हमें बनाना होगा फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स बनाएंगे, एक पी एंड एल एडजस्टमेंट बनाएंगे, चलिए, और एक वर्किंग कैपिटल के चेंजेस बनाएंगे। सो सबसे ऊपर लिखेंगे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट, हमें 3 साल के फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने हैं, सॉरी 2 साल के, इतना बड़ा नहीं। ठीक है जी, इतने से काम चलाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सोर्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा 2012-13 हो गया और ये 2013-14 हो गया। चलिए एक हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, 2011-12, 2012-13, 2013-14, ऊपर हम लिखेंगे करंट एसेट्स और नीचे लिखेंगे हम करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए और एक हमारा बनेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बनेगा हमारा 12-13, 13-14, और इसके बाद जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे पीछे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कैपिटल में हमारे पास पहले थे 7000 और 7000 से हुआ 7500, तो डिवेंचर्स में भी 1000 से 500 हो गया। तो 12-13 में तो ये इस वजह से हो गया, इन्होंने बोला था कि इन 12-13 ठीक है जी, तो यहाँ 500 कम हुए, वहाँ 500 आ गए। इसके बाद आप देखें यहाँ पर
13-14 से 14-15 में 500 डिवेंचर्स में इंक्रीज हुए हैं। तो वो डिवेंचर्स में जो इंक्रीज होंगे वो हमारे शेयर की वजह से, मतलब इशू की वजह से होंगे। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स 500, ठीक है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। रिजर्व हमारे पास पहले 1200 के थे, फिर 1600 के हुए। इसका मतलब है 400 के ट्रांसफ़र हुए हैं रिजर्व में और फिर 900 के ट्रांसफ़र हुए हैं। तो 2012-13 में और 13-14 में ये आ जाएंगे हमारे ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, ठीक है। यहाँ हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे पी एंड एल के। तो 11-12 का 600 और 12-13 का 700, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गए। और यहाँ पे हमारे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे 700 एंड 900, ठीक है जी। चलिए इसके बाद चार आइटम लायबिलिटी साइड में हमने डील कर लिए। कैश क्रेडिट और क्रेडिटर ये हमारे दे रखे हैं। तो कैश क्रेडिट 500, 700, 1200 हो गया। 500, 700, 1200 ये हमारे कैश क्रेडिट हो गए। और क्रेडिटर देखें तो हमारे हैं 1200, 1400, 1800, 1200, 1400, 1800, ठीक है। इस तरफ आए तो स्टॉक है 15, 15, 20, 1500, 1500, 2000 ये हमारा स्टॉक है। डेटर है हमारे 500, 550, 500 और बैंक बैलेंस है हमारा 500, 300, 325, ठीक है जी। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने 500 का इन्वेस्टमेंट 510 में बेचा है और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर 510 आ जाएंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ठीक है जी। और यहाँ जो 10 लाख का प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट आपके बाद में कितने हो गए 4500 के। इसका मतलब है 13-14 में आपने परचेज भी कर ली है इन्वेस्टमेंट को। ठीक है ना। चलिए अब हमारे एक तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनना है प्लांट एंड मशीनरी और एक हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, तीन अकाउंट्स हमारे बनने हैं, ठीक है। सो एक हम बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एक हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। और एक हम बना रहे हैं प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है जी। अब ये डाटा और प्लेस कर लीजिए जरा। प्लांट एंड मशीनरी हमारा 8000, 11000, 13000,
ओपनिंग बैलेंस हमारा 8,000 और 11,000 आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 11,000 13,000 आ जाएगा। ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस हमारा 1,100 है, और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा हमारा 1,700 2,800। प्रपोज डिविडेंड में भी सिमिलर पैटर्न पे 1,400 2,250 और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 2,250 2,625। ठीक है, ये आपकी दे रखी हैं फिगर्स, देख लीजिए। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 500 700 and 775। तो हमें चाहिए 12,13 और 13,14। तो 700 और 775 ये हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। ठीक है जी, मेरे से ब्लंडर हो गया है, बताओ क्या, आपने भी ध्यान नहीं दिया। ओपनिंग यहाँ आएंगी इनकी, क्योंकि ये एसेट्स हैं, और क्लोजिंग हमारी यहाँ आएंगी। ठीक है जी, समझ में आया। अब आप देखिए, इस तरफ का टोटल है 11,700, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 3,700। ये है 3,375, तो इस तरफ का बैलेंस आएगा 2,775। ये क्या है, हमारी फिक्स एसेट्स परचेज कर ली हमने। सो फिक्स एसेट्स परचेज करी हमने 3,700 की और 2,775 की, और हमारा डेप्रिसिएशन लगा है ये। ठीक है जी, चलिए अब इसी तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्सेस में जाएं। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम ये मानते हैं कि जो बैलेंसेज हैं वो हम पे कर देते हैं, तो ये टैक्स पेड आ जाएगा हमारा 1,100 and 1,700। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएंगी वो हमारी आ जाएंगी प्रोविजन मेड की, तो ये हमारी 1,700 और 2,800 हो जाएगा। सिमिलरली इसे आप पे करें तो ये आ जाएगा हमारा डिविडेंड पेड 1,400 2,250। तो ये हमारा यहाँ जो बैलेंस आएगा वो आएगा प्रोविजन मेड का 2,250 2,625। ठीक है, चलिए 2,250 2,625 ये हमारा प्रपोज डिविडेंड हो गया, एंड 1,700 2,800 ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा टैक्स पेड 1,100 1,700, एंड जो डिविडेंड पेड है ये आ जाएगा 1,400 and 2,250। ओह शिट, ये जाएगा हमारे उस पेज पर। चलिए, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, हमने जल्दी किया तो हम ही भुगतेंगे। तो यहाँ लिखें अब प्रोविजन फॉर टैक्स 1,700 2,800, प्रपोज्ड डिविडेंड
2250-2625 और यहाँ पे टैक्स पेड 1100-1700, डिविडेंड पेड, ठीक है जी। और बताओ, अब देखिए एक तरफ से पूरी बैलेंस शीट देख लीजिए, कोई आइटम छूट रहा है क्या? प्लांट एंड मशीनरी डन, इन्वेस्टमेंट डन, स्टॉक डेटर कैश एडवांस डन, टैक्स प्रोविजन प्रॉफिट डिविडेंड डन, क्रेडिटर कैश क्रेडिट डन, डिवेंचर डन, पीएनएल डन, रिजर्व डन, शेयर कैपिटल डन। जब ये सब डन डन हो जाए तो अब फिर आप चलाइए कैलकुलेटर। क्या चलाएं? कैलकुलेटर। तो सबसे पहले निकालिए इस तरफ का बैलेंस, तो इस तरफ का आएगा 5750, 5140, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इस तरफ का टोटल आएगा 8000, 7300, ठीक है। सो फंड फ्रॉम ऑपरेशन 7300, 5140। अब हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल का, ये 2500, ये आ जाएगा 2350 और ये 2825। इस तरफ है 1700, तो 800 हुआ यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल, ये 2100 हुआ तो ये 250 हुआ और ये 3000 हुआ तो ये -12175 हुआ, ठीक है जी। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे 800 से 250 हो गया, तो इसका मतलब है 800 से 250 होने का मतलब है कि आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। कितनी हो रही है? 450, और ये 250 से तो ये 425 है, तो ये क्या आ रहा है? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब जरा एक बार टोटल करके देख लीजिए, इस तरफ का टोटल आ रहा है 6200 और इस तरफ का टोटल भी आ रहा है 6200, इस तरफ का टोटल आ रहा है 8225 और 8225। तो अब आप बताइए कि क्या रीजन है कि भाई ये सब हो रहा है। तो गौर से देखें, अगर रीजन अपने सामने है, आपने सात हजार कमाए और 4000 रुपये आपने यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे आपने कितने 5000 कमाए और 2500 दे दिए। इसके बाद बाकी जो पैसा है, मेजर पैसा आपने यूज कर लिया किसमें? फिक्स एसेट्स में। तो बेसिकली आपका जो पैसा है लिक्विडिटी के लिए बचा ही नहीं, आपने आपके पास वर्किंग कैपिटल जो फंड्स आ रहा था पैसा, वो आपने मेजर पैसा फिक्स एसेट्स में यूज कर लिया और बाकी का जो है वो डिविडेंड और टैक्स में ख़त्म हो गया आपका। दैट इज़ द रीज़न आपकी ये लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब हो गई है, ठीक है। चलिए, अच्छा था क्वेश्चन ये, थैंक यू वेरी मच।